ठीक है। तारे को तक्के पे लग दे हेलो 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 टेस्टिंग हेलो आए आलम में पुकार आई बहार आई बहार आई बहार आई बहार आई है नेचर अपनी नकाशी दिखाता है। बहार आई है नेचर अपनी नकाशी दिखाता है। बहुत रंगीन नक्शे आंखों के सामने लाता है। ये दिलकश और दिलरुबा महफिल इसलिए सजाई गई है कि दुनिया में रोशनी लाने वाले अजीम मुफक्किर जिनको मुफक्किर पाकिस्तान मुसव्विर पाकिस्तान हकीमुल उम्मत की अलकाब से नवाजा गया यानी अलामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को मुख्तलिफ जिहाद से खिराज तहसीन पेश किया जाए। वो इकबाल जो मुरव्वजा दीनी और दुनियावी अलूम में मुकम्मल दस्तरस रखते थे और वो इकबाल जिसने दुनिया को ये समझा दिया कि मैं वो इंसान हूँ जो अपनी शायरी के जरिए एक सोई हुई कौम को जगा सकता हूँ और मैं ही वो इंसान हूँ जो अपनी शायरी के जरिए एक भटके हुए जो अपने मजहब से भटके हुए इंसान थे मैं उनको मजहब पे ले जा सकता हूँ। वही इकबाल को खिराज तहसीन पेश करने के लिए आज गजाली एजुकेशन ट्रस्ट के जेर एहतमाम ये रीजनल मुकाबला जात हो रहे हैं। आज इस महफिल का आगाज मैं कलाम पाक से करना चाहता हूँ क्योंकि कलाम पाक में वो ताकत है जो मुर्दा दिलों को जला बख्शती है। मैं तिलावत कलाम पाक के लिए हाफिज मोहम्मद राशिद कासमी साहब प्रिंसिपल गेट स्कूल कलूर कोर्ट को दावा देता हूं कि वो स्टेज पे आए और तिलावत कलाम पाक से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएं। हाफिज मोहम्मद राशिद कासमी साहब فذكر إن
بسم الله الرحمن الرحيم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله ومولانا العظيم خاتون نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ کلم تیرے ہیں یہ بات تو ازل سے ہے
कि जहाँ पर रब्बे करीम का जिक्र होता है तो वहाँ पर उसके प्यारे महबूब सरवरे दो जहाँ का जिक्र लाजम व मलजूम होता है। तो मैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम के लिए मोहम्मद उसामा मुख्तियार गजाली एजुकेशन ट्रस्ट स्कूल मोच उनको दावा देता हूँ कि वो आए और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की शान में मदा सराई फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त मुझे इफ्तिताही कलमात के लिए कहा गया है। मैं आपके सामने चंद गुजारिशात रखना चाह रहा हूँ, उनका आप सबने ख़ास ख्याल रखना है। लेकिन गुजारिशात से पहले मैं इस वक्त यहाँ पे जो हमारे मेहमान खसूसी आई तशरीफ़ लाए हैं, शहीदुल हक जफर साहब मैनेजर प्रेप गजाली एजुकेशन ट्रस्ट, उनको उनके साथ आरएनडी से तशरीफ़ लाए हैं हमारे पास वाहिद अब्दुल्ला साहब, उनको जो डीएमएस हजरात यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं मुख्तलिफ अजला से उनकी खिदमत में, और यहाँ आज जो हमारे जज साहिबान मौजूद हैं
प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल करीम कासिम साहब, प्रोफेसर मोहम्मद खान साहब, नसीर शाह साहब और तमाम प्रिंसिपल साहिबान, तमाम असातिज़ा कराम, तमाम तलबा और तालबात, मैं आप सबको यहाँ पे वेलकम करता हूँ, दिल की यथा गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। उसके बाद वक्त की कमी है, मैं मुख्तसर तौर पर और कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द बात अपनी यहाँ पे रख सकूँ। यहाँ पे आज रामेश्वर की याद में होने वाले मुकाबले तीसरे मरहले में दाखिल हो चुके हैं। पहले मरहले में ये स्कूल्स की सतह पर मुनाकिद किए गए, उसके बाद ये अजला में मुकाबले मुनाकिद हुए और उनमें जो फर्स्ट बच्चे आए हैं वो आज की सतह पर यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। तो सबसे पहले तो मैं उन बच्चों से, उनके असातिज़ा कराम से, उनके डी एम एस साहिबान से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये थोड़ी बात नहीं है कि ये छोटे छोटे बच्चे मुकाबलों में आज यहाँ तक के स्टेज तक पहुँच चुके हैं। उनका यहाँ तक पहुँच जाना ही बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे जब हम सब शरीक होंगे, हम सब एक रीजन के लोग हैं, एक ही स्कूल से ताल्लुक रखते हैं, गजाली एजुकेशन ट्रस्ट के बच्चे यहाँ पे शरीक हो रहे हैं, लिहाजा अगर कोई बच्चा या कोई बच्ची यहाँ पे मुकाबला विन नहीं कर सकती तो उसको, मेरा ख्याल ये है कि इस बात होनी चाहिए कि हमारे रीजन में हमारे हमसे बेहतर बच्चे आगे चले गए हैं और मरकज होने वाले प्रोग्राम में वो इस रीजन की नुमाइंदगी करेंगे। और यही सपोर्टमेंट स्पिरिट मैं चाहूँगा कि हमारे रीजन के तमाम बच्चों में भी, तमाम असातिज़ा में भी, तमाम डीएमएस साहिबान में भी नज़र आनी चाहिए। जजेस का फैसला हमें दिल से कबूल करना होगा। हमारे पास इंतहाई मोअज़्ज़ज़ जज यहाँ पे तशरीफ लाए हैं और वो जानिबदार हैं, उनका जो भी फैसला होगा हर एक को वो कबूल करना होगा। उसके बाद यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी इसके बाद मुकाबला शुरू होने वाला है, खामोशी रखेंगे और खामोशी वापस आ जाएंगे, डिसिप्लिन का खास ख्याल रखा जाएगा और ये महसूस नहीं होगा कि यहाँ पे कोई हुजूम बैठा है। उसके बाद अगर, हाँ एक बात और कर देता हूँ, इस वक्त तकरीरी मुकाबले यहाँ पे शुरू होंगे, तकरीरी मुकाबले हम सब यहाँ पे मिलकर बैठ कर सुनेंगे और तकरीरी मुकाबलों के बाद उसके बाद तरानों का यहाँ पे सिलसिला शुरू होगा। जब तराने शुरू होंगे तो उस वक्त एक प्रोग्राम साथ वाले पोर्शन में शुरू हो जाएगा जिसमें क्विज और बैतबाजी के मुकाबले होंगे। टाइम की कमी की वजह से हम 4 बजे तक प्रोग्राम को ख़त्म करना चाहते हैं, लिहाजा हमने ये फैसला किया है कि क्विज प्रोग्राम और बैतबाजी साथ वाले हिस्से में, वहाँ पर हम जज भेजेंगे और वहाँ पर उसका मुकाबला होगा। ये मुकाबले साथ साथ जारी रहेंगे। इन मुकाबलों के बाद ग्रुप के मुकाबले यहाँ पे तरानों के होंगे और उसके बाद आखिर पे जाके यहाँ पर टैबलो शो पेश किया जाएगा या आखिरी प्रोग्राम होगा और उसके बाद मेहमानान की तकरीर भी होगी और इनामात का सिलसिला भी होगा। दरमियान में 1 बजे से लेकर 2 बजे तक खाने का और नमाज का, नमाज जुम्मा का वक्फा होगा। बिला ज़रूरत कोशिश करें कि यहाँ से ना हिलें। मैं आखिर पे एक दफ़ा फिर आज यहाँ पे तमाम शरीक होने वाले लोगों का, मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का, जज हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ास तौर पर ग़ुलाम अब्बास साहब जो कि आज के यहाँ के प्रोग्राम इंचार्ज हैं और असलम खान साहब और उनकी जो टीम यहाँ पे कल सुबह से लगी हुई है और जिसने इतना प्यारा खूबसूरत पंडाल सजाया है, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।
गुंबद पर तुषाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। अब हम रीजनल अदबी मुकाबला जात को शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है मुकाबला उर्दू तकरीर बॉयज का। इसमें जो पहला बच्चा आएगा वो है सनाउल्ला, जिला सरगोधा जनूबी। सनाउल्ला, जिला सरगोधा जनूबी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم جناب صدر مجلس سامعین اور میرے عزیز ساتھیوں حمد خدائے قدوس کی اور درود لامحدود پیغمبر اکرم محسن اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر जिनके जूतों के तलवों के सदके हम खैरुल उमम करार पाए। सलाम उस शायरे बुलंद बाम की फिक्रे पुर इनाम पर जिसकी चश्मे बसीरत ने हम था कि ना ने पाकिस्तान के लिए अलग वतन का ख्वाब देखा और गुल हाय अकीदत और मोहब्बत उस पे अगर ये शिला तो असर कर गए जिसने नहीं बन नजार जिसम की नातवानियों के बावजूद इस्तकामत का पहाड़ बनकर अलामा के खाम में हकीकत का रंग भरा। और है सद है जनाब सदर हम पर जिन्होंने अपने ही घर को तबाह बर्बाद करके रख दिया। हमने इससे रोशनियां छीन ली, हमने इसको बहुत मार दिया और आज भी आंखों में लालच और दिल में हवस का भंवर जलाए इसे राख कर देने के दर पे हैं। जनाब सदर मैं जो रसूल ना को मानता हूँ दिल में नन्ही सी किरण रोशनी और नूर की लेकर आज दस्त बादवा हूँ। जिंदगी शम्मा की सूरत और खुदाया मेरी। जनाब सदर माजरत के साथ नहायत अदब और एहतराम के साथ मेरी जनाब आपकी गिरती हुई दीवारों से सवाल करते हैं कि आपने हमारे रहने की जगह को इतना गंदा क्यों किया? अगर हिफाजत नहीं कर सकते थे क्यों था ये मुल्क, ये विरसा और ये जा रहे हैं हमारे लिए ये जैन नगरी, ये दरिंदों से भरा हुआ जंगल है जनाब सदर। बुरा ना मान मेरी तुंदो तेज बातों का, बुरा ना मान मेरी तुंदो तेज बातों का। मैं क्या करूं यही जायका जुबान का है। हजूरे वाला गुफ्तार के असलूब पे काबू नहीं रहता, गुफ्तार के असलूब पे काबू नहीं रहता जब रूह के अंदर मुतलाते हो ख्यालात। जनाब सदर क्या आपकी नस्ल में से जिंदगी में शम्मा की सूरत रही है? आपकी नस्ल ने तो घर को घर से आग लगा दी। जनाब सदर मैं नस्ल ना को नुमाइंदा, मैं गुस्ताख ही सही पर बोलने दीजिए मुझे, मुझे कहने दीजिए कि क्या आपकी नस्ल ने भी अपने से ऊपर वाली नस्ल से यह पूछा कि उन्होंने कितनी शहादतों का खून बहाकर यह मस्जिद बनाया था? पूछने को छोड़े क्या आपकी नस्ल के किसी एक नुमाइंदे ने भी कभी यह सोचा कि कितनी माँ ने अपने जिगर के कितने टुकड़े किसी ने क्या मालूम करने की कोशिश की किस घर की बुनियादों में कितनी मासूम और पाक पास बहनों की किस्मतों की कब्रें बनी हुई हैं? क्या आप में से कभी किसी को यह ख्याल आया कि देखने वाले का ख्वाब और उस रात की हकीकत कितनी खूबसूरत और दिलकश थी? नहीं जनाब सदर हरगिज हरगिज नहीं। अगर आपकी नस्ल के किसी एक नुमाइंदे ने भी आ सके होता किसी एक के दिल से ये अरजू लपकती कि जिंदगी शम्मा की सूरत और खुदाया मेरी तो जनाब सदर कायद क्या बोला इसका पेट्रोल बंद लगे सारा खत्म ना होता, लखन अली खान को बरसरे मिंबर गोलियों से छलनी ना किया जाता, इधर तुम उधर हम के नारे ना लगते, मशहूर की पाकिस्तान बांग्लादेश ना बनता, 1971 की जंग और मरते घर घर पर सुनवाई ना होती, हमारी यूर सुनवाई ना होती। अगर आपकी नस्ल को भी ये एहसास होता तो जिंदगी शम्मा की सूरत तो खुदाया मेरी। जनाब सदर और ये जो मुल्क में हमाकत की हुकूमत है हमारे हुक्मरानों के बड़े बड़े महल्लात की तारीख गुलाम गर्दिशों में साजिशों के साथ क्यों सरसराते
रहे हैं हमारी अपनों का क्या बचावल इनके पास सोचा आपने ये सब क्या है ये सब क्यों है ये सब इसलिए है क्योंकि हमने अपने अंदर के नूर को खुदगर्दी मतपरस्ती और हवस के तारीख खोल में बंद कर दिया है जनाबे वाला यहाँ सुख की सुखता अब नहीं है यहाँ प्यार ही प्यार था अब नहीं है यहाँ इशार ही इशार था अब नहीं है यहाँ जज्बा ही जज्बा क्लास ही क्लास और नेमते ही नेमते हुआ करती थी यहाँ रोशनी ही रोशनी और नूर ही नूर था अब गोप अंधेरों का राज है अंधेर नगरी है और चौपट राजा है तारीखी ही तारीखी है मायूसी ही मायूसी है रात के काले दुख हैं, लेकिन जनाबे वाला हम जो हैं, हम जो नस्ल इमरूज हैं, हम जो नस्ल आइंदा हैं, हम आज ये अहद करते हैं कि हम अपने इस उजड़े हुए दियार को एक बार फिर बुकाए नूर बना देंगे आइए और मेरी आवाज से आवाज मिलाकर खालिक कायनात से मदद मांगे क्योंकि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए वसना सलाम है सदरे जीवकार सलाम है मिल्लत के ममार सलाम है नौजवाना ने वतन सलाम है नौनिहाला ने चमन तुमको सलाम अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी ये खासी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है सामईन इकराम हकीमुल उम्मत अलामा मोहम्मद इकबाल के कहे गए ये अल्फाज मुझे अपने दिल की बात कहने पर मजबूर कर रहे हैं लेकिन बात ऐसी है कि कहते हुए दिल डरता है बात ऐसी है कि कहते हुए दिल डरता है शिद्दत कर्ब से महफिल न सिसक जाए कहीं तेरी आवाज जो सुए अर्श और आमिश चश्मे अफलाक से सावन न छलक जाए कहीं अजीजा ने मन तारीख शायद है कि जिनको मने तौस और बाप और माए मस्ती को अपना कर शमशीर जनी और मैदान अमल को छोड़ा वक्त के धारे ने उन्हें खसो खाशा की माने दिखा दिया और उनका नाम सफ़ेद हस्ती से मिटा दिया अमल से रामी जहाँ में जिंदगी की शान है अमल से रामी जहाँ में जिंदगी की शान है बेअमल दुनिया में जीना अजमतों की मौत है सामईन इकराम अगर आज हम बस्तियों से बुहाली का शिकार हैं, अगर आज हम जान और बहरान से दो चार हैं, तो क्या ये नई नस्ल की बेअमली का नतीजा नहीं और नई नस्ल से ज्यादा मैं अपने आयत के अलम सवाल करना चाहता हूँ क्या आलिम अपनी जिंदगी की चमन को दे सका मेरे आयत के मौलिम ने बच्चों को मेरे आयत के मुदर्रिस ने बच्चों को कुरान पढ़ना सिखा दिया इनको रट्टा लगवा कर लेकिन क्या इनको आयत जैसे लई सलील इंसान इल्ला मा सा का मकसद समझा सके क्या इनके दिल में जज्बा ईमान की जोश जगा सके हाय मेरे आयत का हाफिज कारी मुकर्रर अपने अल्फाज को अपनी जिंदगी में लागू कर सका आलीजा जिसका अपना जीवन अमल से बेवारा हो वो नौजवाना ने वतन को क्या देगा क्या वो अंदर नस्ल को ऐद फारूक दे सकेगा शेर खुदा की शमशीर बरक पाज दे सकेगा या जज्बा शब्बीरी दे सकेगा अमल के हीरो से कुछ जिसका अपना दामन खाली हो अमल के हीरो से कुछ जिसका अपना दामन खाली हो खोटा सिक्का खोटे सिक्के रामिश दे गौरों को आलिजा इस पूरे शोभ दौर में मैं दिल के पपोले फोड़ते हुए दिल बर्दाश्त हूँ मगर मायूस नहीं अगर आज भी मुसलमान अमल पैदा हो तो आज कर सकती है अंदाजे गुलिस्तान पैदा प्यारे साथियों हमारा ताबनाक माजी आज भी हमें दावत फिक्र अमल दे रहा है हाय वो मुस्लिम जो फाते हिंदू सिंध था हाय वो मुस्लिम जो फाते ईरान और रोम था हाय वो मुस्लिम जो फाते खैबर था आज बादल से खाइफ नहीं नहीं अगर 313 का लश्कर कुफार के एक अजीम सिपा को तह तह कर सकता है तो कसम है रब्बे ज़ुल जलाल की आज भी हम दुश्मन को बता सकते हैं दरख्तों से गिर के झड़ जाए वो पत्ते नहीं है हम दरख्तों से गिर के झड़ जाए वो पत्ते नहीं है हम
चौ हाथियों से कह दो औकात में रहे। आलीजा, मैं सिर्फ ताबनाक माजी का माती बनकर स्टेज पर नहीं आया, बल्कि अपने साथियों सराब पे इल्तिजा हूँ कि लिल्लाह अपने मकाम को पहचानिए कि अल्लाह ताला ने बेअमल ख्वाब गफलत में सोए हुए मगरबी यलगार फाशी और यानी में खोए मोमिन के लिए कहा था, इन्नी जाहिलुन फी लर्ज़ खलीफा। हाय हाय वो कौम जो कभी रश्क जहाँ होती थी, आज उसे दूसरों पर भी रश्क नहीं आता। जिस कौम को गैर मुस्लिम फिदिया और जिज़िया देकर जान बख्शी कराते थे, आज खैरी लोगों के मोहताज। ईमान अमल और यकीन कायम था, आज बेबसी का राज। खुदी का एहसास दिल में होता तो खुद को रामी झुकाता क्यों कर, खुदी का एहसास दिल में होता तो खुद को रामी झुकाता क्यों कर, जान जाता कर तो खुद को जहाँ मुसाफिर तेरे लिए था। आलीजा, आज मेरे वतन के लालाजार, मेरी जन्नत के सब्जाजार रो रो के पुकार रहे हैं, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। अरे लोगो, खुदा के लिए इस धरती को जहन्नुम बनाने वाले अमाल से तौबा कर लो। मजहबी लिसानी और जुग्राफिया तासुबात का अमल छोड़ दो, मेरी जन्नत को ना उजाड़ो। हम मोहब्बत और खलूस दिल से इस धरती को अपनी बहार दो, इसकी जुल्मतों को निखार दो, अपने कातो मरने वालों की रूहों को करार दो, नफरतें छोड़कर धरती को प्यार दो, लिल्लाह प्यार दो। माजरत चाहूंगा मैं जज्बाती हो गया, हकीकत यही है कि हमने राय अमल का तायन ही नहीं किया। हमारी किताबुल हुदा से सीख कर उलूम को अमाल का दर्जा दिया गैर ने। बकौल इकबाल, दिले यजदा में खटकता हूँ मैं कांटे की तरह, दिले यजदा में खटकता हूँ मैं कांटे की तरह, तो फकत अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हम सिर्फ वीर जापते रहे, अल्लाह वालों के रास्ते का कांटा बन गया शैतान और शैतान का पुजारी माजल्ला। हर एक राही है बेल, हर रहनुमा है बेअमल। हर एक राही है बेल, हर रहनुमा है बेअमल। हर मौज दुश्मन बन गई जब ना खुदा है बेअमल। रामिश फकत तू दुआ न कर, दर्द दिल की दवा भी कर, जब तक रहा दिल बेअमल तेरी हर दुआ है बेअमल। आलीजा, अपनी कमी और कोताहियों का इल्जाम किस्मत पर थोपने के बजाय हमें चाहिए कि हम इस वतन के आलिम बामल बनकर पूरी दुनिया को बता दें, इरादे और रामिश जिनके मुसम्मम, इरादे और रामिश जिनके मुसम्मम, मुकद्दर भी उनको सलामी करेगा। खुदा साथ हो दिल में इश्क़े मोहम्मद तो सारा जहां फिर गुलामी करेगा इंशाल्लाह। वस्सलाम। ऐसे सुन जरा, बड़ा दिलचस्प है ये वाकया, ऐसे सुन जरा, ऐसे सुन जरा। जनाब सदर, मौजी सामेईन, हाजरीन इकराम और मेरे अजीज साथी, अस्सलाम वालेकुम। इस खूबसूरत महफिल को इसलिए सजाया गया है कि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। जनाब सदर, जब मौजू मुझे दिया गया तो मैंने अपने आप को बहुत खुशकिस्मत महसूस किया कि इस बार मुझे अपने जज्बात का इजहार करने का भरपूर मौका मिलेगा। लेकिन ये मत सोचिए कि तूने बख्शी जिसे जुबान अपनी, तूने बख्शी जिसे जुबान अपनी, वो तेरी महफिलों में बोलता है। अल्लाह कादर मुतलिक ने इस तखलीक के इंसान को अहसन तकवीम बनाया और इस खाकी को नूरी मखलूक पर बर्तरी अता फरमाई, और बर्तरी की बुनियाद इल्म और तक्वा पर रखी और अशरफुल मखलूकात का खिताब अता फरमाया। बकौल शायर, फरिश्ता मुझको कहने से मेरी तहकीर होती है, फरिश्ता मुझको कहने से मेरी तहकीर होती है, मैं मौजूद मलाइक हूँ मुझे बशीर रहने दो। ये दुनिया फानी है, ये अमाल हैं जो हमेशा कायम रहेंगे। हमारे अमाल का बाकायदा रिकॉर्ड किया जा रहा है। जिनके नेक अमाल होंगे वो दिल पसंद माहौल में होंगे, जिनके अमाल बुरे होंगे उनका ठिकाना जहन्नम है और जहन्नम भड़कती आग है। ये अमल है जो हमें दूसरों से मुमताज कर देता है। अमल के बाइस हम इज्जत और उरूज भी हासिल कर सकते हैं और जिल्लत की अता गहराइयों में भी जा सकते हैं। बकौल इकबाल, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। मौजी सामाई, अमाल का दौर उदार नियत पर होता है, हमें अपने अमाल का जाना नहीं लगेगा। अमाल की दरगाह माँ की गौस और मदरसा है, जब माँ ही मगरी की तहजीब के दादा हो तो हमारे अमाल इस्लाम की तहजीब के मुताबिक क्या समझ सकते हैं, और जब मदरसा में कोई मिस्त्री का तदरीस हो और इसका अंसाब इस्लाम के असूलों के ना भी हो तो हम किस तरह उम्मीद रख सकते हैं कब हम नई नस्ल की इस्लाह नेक अमाल की तरफ कर लेंगे। इसीलिए तक पर अल्लाह पाक ने कहा था, तिफल से बुआ है क्या माँ बाप के एतवार की, तिफल से बुआ है क्या माँ बाप के एतवार की, दूध तो डिब्बे का है तालीम है सरकार की। आज की नौजवान नस्ल बेरा रही का शिकार है, हलाल हराम की तमीज नापाद हो चुकी है, हटा भी राजा और लाला मजनू का जोड़ा चल रहते हैं, लड़कियां बेवर्ता घूमने को फैशन का नाम दे रही है, काजी और ब्रशी की मखलूत तारीफ ने हमारी तहजीब का जनाजा निकाल दिया है, हमारे इंसाफ तारीफ ऐसे बाब अख्तियार के बस में है जब मैं खूबसूरत अंदाज से चक्कर देखा है।
भैया ये हमारा भी जन्नत में ले जाएंगे। नहीं हरगिज नहीं, मेरी वफाओं ने तुझे सर्कस बना दिया, मेरी वफाओं ने तुझे सर्कस बना दिया, कर कर के मिन्नतें तेरी आदतें बिगाड़ दी। जनाबे सदर, अल्लाह खाली का कायनात ने इस इंसान के सामने अच्छा और बुरा दोनों रख दिए, अब ये उस पर मुनसिर है कि वो अच्छा रास्ता चुने उन लोगों का रास्ता जिस पर उसने अपनी नेमत नाजिल फरमाई, ना कि उन लोगों का रास्ता जिस पर उसने अपना गज़ब नाजिल फरमाया। ये हमारे अमाल ही है जो हमारी तकदीर को भी बदल देंगे। बकौल इकबाल, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो छोटा पर रहम और बड़ा का एहतराम नहीं करता वो हम में से नहीं। रहमदिली और शफकत मोहब्बत के वो असूल है जो रहमान इंसानियत ने हमें सिखाए, ये असूल आज भी काबिल अमल है और तक क़यामत रहेंगे। चोरदारी, अस्मतदारी, रिश्वतदारी और शराब नोशी के अमाल हमारे बना लेंगे, झूठ की लानत हमें सच की नेमत से महरूम कर देगी। आइए मिलकर ऐद करें कि सदाकत, इमानत और दयानत के वो उसूल अपनाएं जिसका हमारा दिन हमें सबक देता है। बकौल इकबाल, सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शजाअत का, सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। शुक्रिया। Lalo Salim.
मानो वो गुप्तारों की दामी अल्लाह का मानो कोई नजर आता था हकीकत में कुरान हो यही वो मामले उजाइल मामा ने जिसकी जरूरत जाता है गुलशन इमाम से बदल होती है जनाब सर यही मर्द साले है जो बेकरंग दुनिया की वस्तुओं का इस्तेमाल भी असबाब से बेबाक भी सहमे पड़ता भी और सहमे अमराज भी यदि पैदा भी से बाक भी यदि अशना भी और दर्द का दरमान भी मैं भी अमीना भी कुदर भी इतना सही किसल भी यहाँ तक के इस दयाम का महवर भी और मर्तज भी घर जाए तो पहाड़ों की जगह चीर के रख दे घर जाए तो पहाड़ों की जगह चीर के रख दे और जाए तो तकदीर के पर काट के रख दे ना बिसर अगर तारीख की रोशनी में इस हकीकत के निशाने को नहीं जाएगा बात रोजी रोशन की दरवाजे हो जाएगी कि जब मुसलमान उदार की दीन का एनवायरमेंट लौटा उनकी निगाहें नक्शे का फाकुल बशर एक ऐसा शुतर बेमुहार नजर आता है कि उसका ज़हनी इमेज अगर हम बनाएं तो यह चंगेज खान और हलाकू खान जैसा कोई दुश्मन इंसानियत नजर आता है। जब मैंने इकबाल का मर्द मोमिन का तसव्वुर पढ़ा तो मेरे अंदर यही खदशे उभरे कि यह कौन इतना ताकतवर है जिसकी खुदी इतनी ताकतवर है कि इकबाल कह रहा है वो शाहीन की तरह बेनियाज है आसमानों पे निगाह रखता है। तो मैंने सोचा नहीं ये कोई यूटोपियाई करदार है भला ये सब कब मुमकिन है। तो इकबाल ने मेरी कलाई थामी मुझे घसीटता हुआ तारीख के नया खाना में ले गया। मैं क्या देखता हूँ कि फटे पुराने कपड़ों में मलबूस बिलाल नामी एक हबशी भारी पत्थर के नीचे आहत आहत पुकार रहा है। फिर मैंने देखा कि वो शख्स काबे की छत में खड़ा अल्लाह अकबर की सदाएं लगा रहा है। जो जमीन को हुक्म दे रहा है कि तेरे अंदर ताश पैदा नहीं होना चाहिए। फिर मैंने देखा कि वो शख्स अपने दोस्तों को दरिया में घोड़ा डालने का हुक्म दे रहा है। उसी महफिल का एक और शख्स किसरा के दरबार में खड़ा है जूते पांव में नहीं बादशाहत की आंखों में आंखें डालकर उसे इताअत का कह रहा है। मैं देखता रहा तारीख के नया खाने में शमी समान मकान के तसलसल से मिलती रही। कभी कोई 17 साल जवान तारीख के पर्दे पे नाम इब्ने कासिम बताता हुआ गुजरता है तो कभी कोई गजनवी हैरान आंखों से देखता रहा। इकबाल अपनी ब्यास खोले पड़े जा रहा था। ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है जौके खुदाई दो नीम उनकी ठोकर से सारा ओ दरिया दो नीम उनकी ठोकर से सारा ओ दरिया पहाड़ उनकी हैबत से राई दो आलम से करती है बेगाना दिल को दो आलम से करती है बेगाना दिल को अजब चीज है लज्जते आशनाई शहादत से मतलूब मकसूद मोमिन शहादत से मतलूब मकसूद मोमिन न माले गनीमत न किश्वर कुशाई
दिलों को दो आलम से करती है बेगाना। यह सिलसिला चलता गया, कभी तो कोई शख्स मैदान कारगर में खड़ा है, कभी कोई मिंबर रसूल परवाज करता हुआ, फिर अचानक कमरा घूमने लगा, स्क्रीन पर तिरमरे आने लगे, फिर एक पट्टी चलने लगी, डेजी कटर बमों के गिरने की आवाजें सुनाई देने लगी, इतने पहाड़ों के सार नमूदार हुए तो मुझे पता चल गया कि यह तोरा बोरा का इलाका है। मैंने देखा कि बड़े बड़े गिरते हुए बमों के सामने कुछ हंसते हुए लोग खड़े थे, उनके बदन छिल्ली थे मगर उनके चेहरों पर समुद्र जैसा सुकून था। जमाने भर के इल्जाम उन पर धरे जा रहे थे मगर वो मुतमईन थे, उनकी सल्तनत को उजाला जा रहा था, उनके सामने उनके बच्चों को ज़ब्त किया जा रहा था मगर वो मुतमईन थे। फिर उनकी मशकें बांध दी गई, उन पर कुत्ते छोड़ दिए गए मगर वो मुतमईन थे। फिर उनमें से एक शख्स को पकड़ा गया, मैंने देखा तो शख्स की दाढ़ी मूंड ली गई, फिर देखा तो शख्स ने अपनी शहीद दाढ़ी के बालों को उठाया, आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, मैंने तो सोचा था कि मैं पहले शहीद होऊंगा, जाने ये दौलत सुकून कहां से मिली उनको। मैंने तो इकबाल से यही सवाल किया तो उसने मुझे एक बात सुनाई, इन्नल्लज़ीन कालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तकामू ततनज़्जलु अलैहिम अल-मलाइका अल्ला तखाफू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्ना। इकबाल बोलता चला गया कि देखो ये लोग जिनके जिस्मों और ज़हनों में हम मांग दिया है, ये एक शमा है, ये हिजाज़े मुकद्दस में जल रही है, ये उसके परवाने हैं, जलकर अमर हो रहे हैं, ये शाहीन हैं, ये मर्द मोमिन हैं, फकर उनकी घुटी में शामिल है। जब चढ़ती है फकर की शान पे तेरे खुदी, जब चढ़ती है फकर की शान पे तेरे खुदी, एक सिपाही की जरब करती है गारे सिपा। मैंने इकबाल से पूछा, जिसकी हर नज़र नई शान नई आन है, उस मर्द मोमिन की शनाख्त कैसी है, वो क्यों कर बनता है, तो उनका जवाब था, कहारियो गफ्फारियो कुद्दूसियो जबरूत, कहारियो गफ्फारियो कुद्दूसियो जबरूत, ये चार अनासिर हूं तो बनता है मुसलमान, ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन, ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन, कारी नजर بسم الله الرحمن الرحيم। जनाब सदर, ग्रामीय कदर, मोज़्ज़ज़ सामईन, जलसा हाज़रीन नाज़रीन और मेरे हम महफिल साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस पुरवकार तकरीब में मुझे जिस मौज़ू सुहन पर लबकुश की दावत दी गई है उसका अनवान है जिंदगी शम्मा की सूरत खुदाया मेरी। ये सहर जो कभी फरदा है कभी है अमरोज, ये सहर जो कभी फरदा है कभी है अमरोज, नहीं मालूम के होती है कहां से पैदा, वो सहर जिससे लरसता है शबस्ताने वजूद, वो सहर जिससे लरसता है शबस्ताने वजूद, होती है बंदे मोमन की अज़ा से पैदा। जनाबे सदर और मेरे हम महफिल साथियों, इकबाल का ये पैगाम, ये कलाम, ये दुआ, ये मुद्दुआ, ये नसीहत, ये वसीयत, ये शम्मा फरोज़ा की तरह जीने का दर्स कोई आम पैगाम और कोई आम दर्स नहीं। जनाबे सदर, क्या खूबसूरत मंजर है कि इल्म की जुस्तजू रखने वाले तलबा कतारों में मुतबान अंदाज में खड़े होकर अपने हाल को मालकी बारगाहे आलिया मुकद्दसा में यूं गाते हैं, ऐ ज़मीन और आसमान के हालिक मेरी जिंदगी मिसले शमा कर दे, ऐ खुदा ज़ुल्जलाल मेरे फिक्र अमल को सिद्दा हलूस की रोशन किरणों से फरोजा कर दे। जनाबे सदर, इकबाल अपने कलाम और नसर में जा बजा शमा
खुदा की तरह जीने का दस्ते हैं। उठ कर जुल्मत हुई पैदा उसके हावर पर, उठ कर जुल्मत हुई पैदा उसके हावर पर, बज़्म में शोला नवाई से उजाला कर दे। शम्मा की तरह जिए बज़्म गहे आलम में, शम्मा की तरह जिए बज़्म गहे आलम में, खुद चले दीदे अग्यार को पीना कर दे। जनाबे सदर और मेरे हम महफिल साथियों, आए मैं आपको बताऊं जिंदगी शम्मा की सूरत क्या बनती है। दहर में जब इसमें मोहम्मद से जाला होता है तो कुव्वत इश्क हर पस्त को बाला कर देती है। जब इंसान अपने फिक्र अमल से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा करता है तो खुदा की कसम कातिल तकदीर लोहा कलम इसी के हाथ में दे देता है। मेरे नबी का इश्क इंसान को जमीन की पस्तियों से निकाल कर पहुंचे सुरैया तक ले जाता है। मेरे नबी का इश्क जब इस साख के पुतले में शमा बनकर जलता है, ये जस्ते हाकी मुसलमानी की दरहशंदा शुआओं से रोशना मनवर हो जाता है। मेरे नबी की उल्फत दश्तों बियाबान को, आंधी को तूफान को, कहसारों मैदान को, हत्ता के दान को, हत्ता के मुसलमान के ईमान को वो तबानी बहती है कि इसके हसो हसा के दरात से हयात जादानी की बीनी बीनी खुशबुएं आती है, रौनकें आती है, रोशन सुबह आती है, जलती हुई शमे आती है। इसीलिए तो इकबाल ने क्या होप कहा था, दश्त में दामने कोसार में मैदान में है, दश्त में दामने कोसार में मैदान में है, बहर में मौज की आगोश में तूफान में है, चीन के शहर मिराकिश के बियाबान में है, चीन के शहर मिराकिश के बियाबान में है और पोशीदा मुसलमान के ईमान में है। चश्मकवाम ये नजारा अब तक देखे, चश्मकवाम ये नजारा अब तक देखे, रिफाते शाने वारा फाना लाका जिक्र रख देखे। जनाबे सदर और मेरे हम महफिल साथियों, तो फिर साबित हुआ मेरे नबी की सीरत और सूरत से मोहब्बत करना शमा की तरह जीना है। मेरे नबी की इज्जत बरकत से मोहब्बत करना शमा की तरह जीना है। मेरे नबी की नामूस और रिसालत से मोहब्बत करना शमा की तरह जीना है। जनाबे सदर और मेरे हम महफिल साथियों, तवज्जो मेरी तरफ, मेरे नबी की दालतो शिजात से, रिश्तों मर्तबत से, अबात और रियाजत से, जानतो सहाबत से मोहब्बत करोगे तो शमा की तरह रोशन हो जाओगे। तेरे साहब के पैकर में शमा की तरह रोशनी की पो फूटेगी। जनाबे सदर मेरे पीरो मुर्शिद इकबाल के इस पैगाम का मरकजी नुक्ता यही है कि दिल को इल्फ़ते रसूल की खुशबू से मुअत्तर कर लो, आसमान के फरिश्ते जन्नत की हुरे तेरी दीद की तालब ना हुई तो फिर कहना, तेरी हाक आसमान की वसातों में महवे परवाह ना हुई तो फिर कहना, तेरे फिक्र नजर में अमल की खुशबू बहार बनकर ना महकी तो फिर कहना। जनाबे सदर जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, आए अल्लाह के हुजूर दुआ करे, ऐ जमीन और आसमान के हालिक, ऐ पहला भर के मालिक, मेरे पीरो मुर्शिद इकबाल के इस हाथ को शर्मिंदा तबीर कर दे, मुसलमानों को मिसले शमशीर कर दे, पैदा मेरे सीने में अमल की तासीर कर दे, फिर जिंदा मेरी आंखों में इस्लाह की तासीर कर दे। जवानों को मेरी आहे सहर दे, जवानों को मेरी आहे सहर दे, फिर इन शाही बच्चों को बालो पर दे। खुदाया आरजू मेरी यही है, खुदाया आरजू मेरी यही है, मेरा नूरे बसीरत आम कर दे। बस आलम रंगो ऊपर चमन और भी आशिया और भी है, तू शाही है परवाद है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। अजय बॉयज का तकरीरी मुकाबला अपने इख्तिताम को पहुंचा, अब हम मुकाबला उर्दू तकरीर गल की तरह बढ़ते हैं। इसमें हमारी पहली जो अजीजा तशरीफ ला रही है उसका नाम है हिफ्सा अख्तर, हिफ्सा अख्तर।
सलाम है सदर अजी वकार, सलाम है मिल्लत के मेहमान, सलाम है नौजवान आने वतन, सलाम है नान हाल आने चमन, तुमको सलाम। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। सदर अजी वकार हकीमुल उम्मत अलामा मोहम्मद इकबाल के कहे गए ये अल्फाज मुझे मेरी दिल की बात कहने पर मजबूर कर रहे हैं, लेकिन बात ऐसी है कि कहते हुए दिल डरता है, बात ऐसी है कि कहते हुए दिल डरता है। शिद्दत कर्ज से महफिल न सिसक जाए कहीं, तेरी आवाज से आज शराबिश चश्मे अफलाक से सावन न छलक जाए कहीं। सदर अजी वकार तारीख शाहिद है कि जिन कामों ने इरा
जाएगा इंशाल्लाह वसलाम। मोहतरम जज हजरात से ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अगर उन्हें टाइम चाहिए एक रिजल्ट बनाने में तो हम थोड़ी देर के लिए अपना प्रोग्राम हर रोक लिया करेंगे, यानी अभी अगर आपको टाइम चाहिए तो हम थोड़ी देर के लिए अपना प्रोग्राम रोक लेते हैं, आप अपना पहला रिजल्ट कंपाइल कर लें, जारी रखें, जारी रखें। अब हमारी अगली अजीदा आ रही है हिरा जबीन जिला बखर, हिरा जबीन जिला बखर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी मुख्तसर सी है दास्तां मेरी, इसे सुन जरा, इसे सुन जरा। बड़ी मुख्तसर सी है दास्तां मेरी, इसे सुन जरा, इसे सुन जरा। बड़ा दिलचस्प है ये वाकया, इसे सुन जरा, इसे सुन जरा। जनाबे सदर, मौला साहब इकराम और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। जनाबे सदर, अमल बात की शायरी हमें अमल और किरदार से सबक देती है। मिसरा जिस मजमून का उनवान है, अमल बात का एक शेर है। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाक ही अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। नबे सदर, इस शेर का मतलब है कि इंसान की कदर उसके अमल के हुस्न से है। अगर उसका दामन नेक अमल से भरा हुआ होगा तो उसकी कदर होगी और आखिरत में भी उसकी इज्जत बढ़ेगी। असल चीज अमल है, जिंदगी अमल से लबरेज है। अमल के लिए मेहनत, मुशक्कत, जुस्तजू, खुलूस नियत और यकीन कामिल का होना जरूरी है। सीरत न हो तो आरिज और रुखसार सब गलत, सीरत न हो तो आरिज और रुखसार सब गलत। खुशबू उड़ी तो फूल फकत रंग रह गया। तारीख हमें बताती है कि जिस कौम से ये कोशिश को तार करके तरसानी को अपने शेवा और तेरे सुनार को छोड़कर ताऊ से रुबाब को अपनी जिंदगी बना लिया, वो यूं मिट गई जिस तरह खिजाल ना पता दरख्त से गिरता है और हवा के दोष पर लड़कता फिरता है। वो कौम है जिन्होंने अपने खून जिगर से चलाए और सन किए और उन्होंने अपनी तारीख खुद बनाई। आज भी उनका जिक्र इज्जत और एहतराम से किया जाता है। तुझे आबाद से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती, तुझे आबाद से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती। कि तू गुफ्तार वो किरदार, तू साबित वो सयारा। नबी सदर, तारीख इस्लाम इस बात का शाहिद है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के जहल माशरे में जहालत और गुलामी के तंजीरों को अपने और सहाबा करम रजी अल्लाह तआला के इस्लाम पर से तोड़ डाला। झुका दी गर्दने फरते अदब से कजला होने, झुका दी
आजादों का नाम आया आज बेजार अभी का शिकार है हराम की तबीयत नापैद हो चुकी है हर तरफ हीरा से लगा मजनू के जोड़ नजर आते हैं लड़कियां भी पटा बाहर निकलने का फैशन का नाम दे रही है काजू यूनिवर्सिटियों में बकरी तालीम में भाई का जिन्नासा निकाल दिया है और हम नेक अमल से दूर होते जा रहे हैं पूरा फाशा माता परसी मुब्तला है नेक अजीब इस्लाम से जसूलों को भुलाई जा रही है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जगह का चांद ने हमें नगरी तालीम का पैरोकार बना दिया है हमारे सब तालीम ऐसे अरबाब अख्तियार के बस में है जो हमें खूबसूरत तनख्वाह का चक्कर देकर सूद को मुनाफी का नाम देकर और जमहूरियत का नाम लेकर हमारे तोहफा देते हैं कदर को हादसे का नाम देकर हमारे जज्बात से खेलते हैं क्या यही सब कुछ नेक किया है क्या यही नेक अमाल है क्या यही इंसानियत की खिदमत है क्या यही हमारा हमें जन्नत में ले जाएंगे नहीं हरगिज नहीं अगर हमारे सब कुछ देखा तो तड़प उठे अगर होता वो मजूबे फिरंगी इस जमाने में अगर होता वो मजूबे फिरंगी इस जमाने में इकबाल उसको समझाता कि मकामे किबरिया क्या है होती थी
वो जो कहते थे वही करते थे, उनके कॉल और फेल में कोई तजाद नहीं था, और इसी तजाद का नाम मुनाफ़िक है। और मुसलमान कभी मुनाफिक नहीं हो सकता। हजार खौफ हो लेकिन ज़बां हो दिल की रफीक, हजार खौफ हो लेकिन ज़बां हो दिल की रफीक, यही रहा है असल से कलंदरों का तरीक। वक्त गुजरता जा रहा है, तारीख तेजी से मुरतब हो रही है, और जमाने का काफिला अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुआ है। वक्त तारीख और जमाने का काफिला इसी को साथ ले जाता है जो उसका साथ देता है। वक्त ना किसी के लिए अपना अंदाज बदलता है ना चलन, जो कौम वक्त का साथ देती है हालात के तकाजों को पूरा करती है, ये कारवां उसे ही साथ ले जाता है। जो कौम तानासार हो जाती है और जिनका दामन हरकत अमल से खाली हो जाता है, ये कारवां उसे रोकता हुआ चला जाता है, और तारीख को इस कौम का मातम करने की भी फुर्सत नहीं मिलती। ये कारवाने हस्ती है तेज गाम ऐसा, ये कारवाने हस्ती है तेज गाम ऐसा, कौमे कुचल गई जिसकी रवादारी में। साहिब सदर, हमें चाहिए कि हम वक्त के तेवर जांचें, हवा के रुख को पहचाने, तारीख की रूह को समझे, हवा के जमजमा और घटाओं के इशारों को देखें, और वक्त के इस तराजम में अपने फिक्र अमल की तमाम सलाहियतें व मकसद जदोजहद के लिए वक्फ कर दे। वह मकसद कोशिश सआदत है, और इस कोशिश में अपनी जान हार देना शहादत है। आज जरूरत इस अमल की है कि हमारे दिल सोज इश्क से लबरेज हों, यही तड़प हमें मंजिल की तरफ ले जाएगी और मंजिल के रास्तों को हमारे लिए आसान कर देगी। अगर जोश और जज्बा हम रकाब हो तो रास्ते के पहाड़ कंकर और कांटे फूल हो जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए सहरा आबादियां और समुंदर रास्ते होते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने अमल को खलूस से आरास्ता करें, क्योंकि खलूस ही वो नेमत है जिससे हर मुश्किल आसान हो जाती है। याद रखें कि अगर ईमान के पौधे को हुस्न अमल का पानी ना दिया जाए तो ये सूख जाता है, और सूखे हुए दरख्त कभी बार-बार नहीं होते। इकबाल का ये शेर हमारे माजी के हुस्न और हाल की बेबसी की किस कदर दिल गुदास तस्वीर पेश कर रहा है। तुझे आबाद से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती, तुझे आबाद से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती, कि तू गुफ्तार वो किरदार, तू साबित वो सियारा। इकबाल ने वही कुछ कहा जो कुरान मजीद में है। कुरान मजीद में है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। और कुरान मजीद ने इसका और अलामा इकबाल ने इसका तर्जुमा आपने शायरी में यूं किया, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। शुक्रिया। मेरी तकरीर का उन्वान है हर लहज़े मोमिन की नई शान नई आन। नच्चे का फातुल बशर एक ऐसा शत्रु बेमहार नजर आता है, अगर हम उसका जहरी इमेज बनाएं तो यह चंगेज खान और हलाकू खान जैसा कोई दुश्मन इंसानियत नजर आता है। जब मैंने इकबाल का मद्द मोमिन का तस्वर पढ़ा तो मेरे अंदर यही खच्चे उभरे, ये कौन इतना ताकतवर है जिसकी खुदी इतनी ताकतवर है कि इकबाल कह रहा है वो शाहीनों की तरह बेनियाज है, आसमानों पे निगाह रखता है। तो मैंने सोचा नहीं, ये भी कोई यूटोपिया किरदार है, भला ये सब कब मुमकिन है। इकबाल मुझे अपने साथ तारीख के नया खानों में ले गया। मैं क्या देखती हूँ, फटे पुराने कपड़ों में मलबूस बिलाल नामी एक हबशी भारी पत्थर के नीचे आहदात पुकार रहा है। फिर मैंने देखा कि वह शख्स काबे की छत पर खड़ा अल्लाह अकबर की सदा लगा रहा है। एक और शख्स को देखा जमीन को हुक्म दे रहा है अब तेरे अंदर इताश पैदा नहीं होना चाहिए। फिर मैंने देखा कि वही शख्स अपने दोस्तों को दरिया में घोड़े डालने का हुक्म दे रहा है। उसी महफिल का एक और शख्स किसरा के दरबार में खड़ा है, जूते पाँव में नहीं है, बशाय वक्त की आंखों में आंखें डाल के उसे इताअत का कह रहा है। मैं देखती रह गई तारीख के नया खानों में, शबीह जमा मकाओं के तसलसल से चलती रही। कभी कोई 17 साल का जवान तारीख के पद्दे पर अपना नाम इब्ने कासिम बताता हुआ गुजरता, तो कभी कोई गजनवी। मैं हैरान आंखों से देखती रह गई, इकबाल अपनी बयास खोले पढ़े जा रहा था।
ये गाजी ये तेरे पर असरार बंदे, ये गाजी ये तेरे पर असरार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है जाके खुदाई। दनीम उनकी ठोकर से सारा दरिया, सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत सिराई। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, नमाल गनीमत ने किशर कशाई। मैं देखती रह गई यह सिलसिला चलता रहा, कभी कोई शख्स मैदान कारजार में तन तनहा खड़ा है, तो कभी कोई मिंबर रसूल परवाज करता हुआ। फिर अचानक खुमरा गूंजने लगा, स्क्रीन पर तिर मेरे आने लगे, फिर एक पट्टी चली, डेजी कटर बम के गिरने की आवाजें सुनाई दी, पहाड़ों के आसार नमदार हुए। मुझे पता चला यह तो थारा बोरा का इलाका है। मैंने देखा कि बड़े बड़े गिरते हुए बमों के सामने कुछ हंसते हुए लोग थे। उनके बदन छिले थे मगर चेहरे पर समुद्रों का सुकून था। जमाना भर के इल्जामात उन पर दर जा रहे थे मगर वो मुतमईन थे। उनकी सल्तनत को उजाला जा रहा था, उनके बच्चों को उनके सामने जिबा किया जा रहा था मगर वो मुतमईन थे। फिर उनकी मशकें बांध दी गई, उन पे कुत्ते छोड़े गए मगर वो मुतमईन थे। फिर उनमें से एक शख्स को पकड़ा गया जिसका नाम स्क्रीन पर मुल्ला ज़ैद बताया जा रहा था। उस शख्स की दाढ़ी मूंड दी गई, मैंने देखा कि उस शख्स ने अपनी शहीद दाढ़ी के बालों को उठाया, आसमान की तरफ देखा, मुस्कुराया और बोला, मैंने सोचा था कि मैं पहले शहीद होऊंगा, जाने ये दौलत सुकून कहां से मिली उनको। तो मैंने भी इकबाल से यही सवाल किया, तो उन्होंने मुझे एक आयत सुना दी, इन्नल लजीना कालू रब्बना अल्लाहु सुम्मा इस्तकामू अल्लाह तखाफू वला तखज़नू अबशिर बिल जन्ना। मैं देखती रह गई, इकबाल पढ़े जा रहा था, ये लोग जिनके जिस्म और जहन में हमागियां हैं, ये एक शम्मा है जो हिजाज मुकद्दस में जल रही है, ये उसके परवाने हैं, ये जल के नमर होते हैं, ये शाहीन है, ये मर्द मोमिन है, फकर उनकी गुट्टी में शामिल है। जब चढ़ती है फकर की सांस पे तगे खुदी, जब चढ़ती है फकर की सांस पे तगे खुदी, एक सिपाही की जब करती है कार सिपा। तो मैंने इकबाल से पूछा, या जिसकी हलाज है निशान नहीं आन है, उस मर्द मोमिन की साख कैसी है, ये क्यों कर बनता है। तो उनका जवाब ये था, कहारियो गफारियो कुद्दूस ये जबरूत, कहारियो गफारियो कुद्दूस ये जबरूत, ये चार अनासिर हो तो बनता है मुसलमान। ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन, ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन, कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान। वस्सलाम।
मिला। गुम्बद खजरा पर नजर पड़ी तो अल मोमिनों को विजय खैर का नजरिया इफ्तिखार मिला। वज़ीर इकबाल से सवाल किया तो इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौम का तसव्वुर मिला। अगर नहीं मिला तो या रब वो मर्द मुसलमान नहीं मिला जिसकी रात युबीतून अल रब्बीन सुज्जतम व क़ियामन की तफसीर हो, जो मुकाबले कुफार में अशद्द कुफार की जिंदा तस्वीर हो, जो मैदान कारज़ार में कान्ना हो पंजान अल मरसूस की जिंदा तस्वीर हो, जो इख्तराक व इंतशार में वातासिमु बिहब्लिल्लाह जमीयन की जंजीर हो, जो हमें अजमत रास्ता याद दिलाए। थाम ले रस्सी खुदा की छोड़ दे अग्यार को, थाम ले रस्सी खुदा की छोड़ दे अग्यार को, दर पे वहदत से गिरा दे कुफ्र की दीवार को। जनाबे सब सवाल ये पैदा होता है बाकी चार बंदे मोमिन कहां से तलाश करे, जो हल्के यारान में रेशम की तरह नर्म हो, रस्म हक को बातिल में मुचलता हुआ तूफान हो, जो दिले मुर्तजा सऊदी सदीक मौजूद है जिसने पाकिस्तान के मसाइल को एक मंजूम की शक्ल में तरतीब दिया है, अगर जज साहबान की इजाजत हो तो। मैं दावा दूंगा अब्दुल कदीर गेट स्कूल पिपला माने।
इलाह इल्लल्लाह ला इलाह इल्लल्लाह। ये दौरी अपने बराहीम की तलाश में है, ये दौरी अपने बराहीम की तलाश में है। सनम गदा है जहां, सनम किया है तूने बताए गुरूर का सौदा, किया है तूने बताए गुरूर का सौदा। फरेब सूद गया, ला इलाहा इल्लल्लाह।